नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर। पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी महत्वपूर्ण बातचीत। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप, सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव, कैबिनेट का भी होगा विस्तार। जेडीएस पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का अंतिम दिन। यौन शोषण और बलात्कार के आरोप में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में है रेवन्ना। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक, 29 प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग प्रभावित। मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित इलाकों के दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों को बड़ा झटका, चुनाव के बाद मतगणना में वामपंथी गठबंधन को बढ़त, शाम तक तस्वीर हो जाएगी साफ। और खेल की खबरों में, भारत ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 100 रन से दी करारी शिकस्त। फिलहाल 1-1 की बराबरी पर सीरीज। अभिषेक शर्मा ने जड़ा शतक, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 77 रन की शानदार पारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना के कारण यह शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है। पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मोहर लगने की संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। बता दें कि यह प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय से रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ के पहले भक्त और पुरी के राजा गजपति महाराज ने परंपरा निभाते हुए सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई की। रस्म को छेरा पहरा के नाम से जाना जाता है। विधि विधान के साथ शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस पावन अवसर पर पहुंचकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। मान्यताओं के अनुसार बहन सुभद्रा के साथ हर साल भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा का भविष्य क्या होगा, यह आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक करीब 38 याचिका पहुंच चुकी हैं। इनमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली हैं, जबकि 1-2 याचिका परीक्षा को रद्द ना करने की मांग वाली भी है। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है।
नीट यूजी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य पीठ करेगी। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार आज फ्लो टेस्ट होना है, इसके लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। झामुमो के सहयोगी दलों कांग्रेस, राजद और भाकपा माले ने भी अपने विधायकों को विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में 5 सीटें हैं। विश्वास मत हासिल करने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 46 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो के 27, कांग्रेस के 17 और राजद और भाकपा माले का 1-1 विधायक शामिल है। वहीं विपक्ष में 27 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 24 और आजसू के 3 विधायक शामिल हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 44 विधायकों का समर्थन का पत्र सौंपा था। विश्वास मत हासिल करने के बाद आज झारखंड कैबिनेट का विस्तार भी होगा। जेडीएस के पूर्व सांसद और यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। जांचकर्ता पूर्व सांसद द्वारा पीड़ितों की वीडियोग्राफी करने के आरोपों की भी जांच कर रहे हैं। प्रज्वल को 31 मई की सुबह जर्मनी के म्यूनिक से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। तमाम नोटिसों के जवाब नहीं देने के बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब तक एसआईटी ने 4 बार प्रज्वल की हिरासत हासिल की है। 24 जून को मैजिस्ट्रेट ने प्रज्वल की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अब बात मौसम की। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कछार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया प्रभावित जिलों में शामिल हैं। 3 जिलों कामरूप महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। फ्रांस में रविवार को चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम आ जाने की उम्मीद है। रुझानों में एकजुट हुए वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का गठबंधन और दक्षिणपंथी गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में त्रिशंकु सरकार बनती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को अपनी पार्टी रेनेसा की बड़ी हार के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने समय पूर्व संसद भंग कर बड़ा जोखिम लिया। दरअसल मैक्रों सरकार गठबंधन के सहारे चल रही है। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 250 सीटें थी और हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें अन्य दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई और पूरी टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक ने 47 गेंदों में 100 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों पर नाबाद 77 रन और रिंकू सिंह ने 48 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।
अब सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। भरोसा।